हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए होंडा सी डी 110 DX का एक्सक्लूसिव शोरूम लुक और द बाइक लुक सुंदर शोरूम। तो ये आप देख रहे हैं इसका फ्रंट लुक। तो ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ये रगेड लुक पे दिया गया है इसका फ्रंट, जो पूरी फेयरिंग दी गई है साइड में, ये पूरी एक आपको क्या कहते हैं कि एक डस्की लुक पे दिया गया है, ब्लैक डस्की पे, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। क्रोम फाइबर पे देख रहे हैं जैसे आप। तो पास में चलते हैं, तो ये इसके हेडलैम्प्स हो गए। तो आपको इधर ये नॉर्मल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, नीचे छोटी सी आपको ये पायलट लाइट मिल जाती है। साइड में चलते हैं इधर, तो ये देख रहे हैं अभी नॉर्मल मॉडल है, इसमें थोड़े बहुत फीचर्स बता दें आपको। तो ये ट्यूबलेस टायर आते हैं दोनों में, ये 110 CC इंजन है इसमें, 8 लीटर का टैंक मिल जाता है आपको इसमें, 8 लीटर फ्यूल आपका इसमें आराम से आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्बन फाइबर के लुक पे आपको दिया गया है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। जनरली आपको किसी भी बाइक में, किसी भी कंपनी की बाइक में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि ऊपर नीचे दोनों कार्बन फाइबर के लुक में दिया गया, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। चलते हैं साइड में, तो इसमें आपको होंडा की जो जनरल एक ट्रेडिशन है, जो एक क्रोम पे इस्तेमाल करते हैं होंडा की बैजिंग, तो वो अलग तरह से दी गई है। स्टिकर दिया गया है यहाँ पर होंडा का, ये फ्यूल टैंक पे इसका 1 लीटर का फ्यूल टैंक है। नीचे आते हैं इंजन कैपेसिटी, इंजन कंपार्टमेंट में आपको इंजन कंपार्टमेंट दिखाते हैं इसका। साइड में देख रहे हैं जैसे ये सी डी 110 DX की आपको बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे, ये लोगों में स्टिकर मिल जाता है। नीचे आप देख रहे हैं GT का, जो BS4 का है, फ्यूल एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है जो होंडा की, उसका आपको स्टिकर मिल जाता है यहाँ पे। तो BS4 वेरिएंट है ये, जो एक कॉमन है इंडिया में, BS4 ही बाइक चलती हैं। पीछे की तरफ आएँ तो ये आपको इसकी मिल जाती है ब्रेक लाइट और इंडिकेटर्स आपको दोनों अलग अलग होंडा की बैजिंग ऊपर। इसके लिए चलते हैं दूसरी साइड की तरफ, यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपके हो गए शॉक एब्जॉर्बर CD 110 की, जो आपको स्टिकर मिल जाता है इधर भी DX के साथ, DX का लोगो। ये दोनों साइड प्रोफाइल्स हो गए इसकी। फ्यूल टैंक भी देख रहे हैं आपको, अच्छे ग्राफिक्स दिए गए हैं। तो नॉर्मल एक सीडी राइड के लिए बहुत ही प्यारी बाइक है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। जब पीछे की साइड आप देखेंगे अगर, तो इसमें और बाइक से जो ये ग्रैब हैंडल्स है, थोड़ा इसमें आप सामान वगैरह पे चाहें तो यहाँ पे अपना बांध सकते हैं। तो इस हिसाब से शहर और इंडिया के विलेजेस और रूरल एरिया को ध्यान में रख के बनाई गई है बाइक, यहाँ पे अपना काफ़ी सामान भी, लगेज भी कैरी कर सकते हैं। चलते हैं आगे, सीट दिखाते हैं इसकी आपको। तो ये देखना, ये हम लोग इसके फ्यूल टैंक की तरफ आ गए हैं यहाँ पे। ये 8 लीटर का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप सामने देखें तो हम लोग इसके जो फ्रंट मीटर्स हैं, फ्रंट कंसोलर्स पे आ गए हैं, तो ये आपको दिख जाता है यहाँ पे स्पीडोमीटर, ये किलोमीटर्स डन हो गया आपका, ये एम्प्टी फुल हो गया पेट्रोल। उसके बाद यहाँ पे आपकी न्यूट्रल लाइट हो गई, ये इंडिकेटर्स हो गए, ये आपके हो गए हाई बीम। नीचे आप देख रहे हैं ये आपका की लगाने का एरिया हो गया, होंडा की बैजिंग मिल जाती है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। हैंडल्स में देखें अगर आप, तो आपको यहाँ पर ये आपको हाई बीम लो बीम के लिए पुश बटन मिल जाती है, ये आपके टर्न इंडिकेटर्स हो गए, ये नीचे आपको हॉर्न का ये बटन दिया जाता है यहाँ पे। साइड में अगर चलते हैं दूसरी साइड, तो आपको ये इग्निशन ऑन ऑफ की बटन मिल जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक लिए देखते रहिए ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।